फरुखाबाद में सेतु निगम कर्मियों का एक नया कारनामा आया सामने। निगम के कर्मचारी ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाली मिट्टी को भी बेचने में जुटे हुए हैं। कानपुर देहात में जगह जगह धूमधाम से वट सावित्री व्रत मनाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा करी। आज अमावस्या के दिन महिलाएं बरगद की पूजा करते हुए धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं कन्नौज में भी सीओ मेडिकल कॉलेज के सामने बरगद का पेड़ है, जहां पर महिलाओं ने पूजा की और भगवान से पति की लंबी आयु के लिए कामना की। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में 26 साल के युवक की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र में मासूम बच्चों की साइकिल चोरी कर कबाड़ में बेचने वाला शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस चोर की तलाश में जुट गई। अमरोहा में आदमखोर कुत्ते का शिकार हुए मासूम बच्चे के मौत का मामला आया सामने। मृतक मासूम के परिजनों ने मासूम का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। 400 से 500 ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया। परिजन मौके पर आला अधिकारियों के बुलाने की मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में शासन के आदेश पर सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण का बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि आए दिन अतिक्रमण के कारण जाम लगता था। इस दौरान सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ में प्रशासन अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ नजर आया।